दोस्तों, यह है नागपुर का अति प्राचीन बुद्ध विहार। सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप, लेनिया और शिलालेख की याद में धम्म ग्रंथ के आधार पर सम्राट अशोक का दीपदान उत्सव मानकर इस वेड़ाहरी बुद्ध विहार में मोमबत्तियाँ जलाई गई। दोस्तों, दिनांक 28 अगस्त 1937 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के त्यौहार नहीं मनाए जाने चाहिए। आज दिवाली के दिन ही तथागत भगवान बुद्ध के श्रावक संघ के उप सेनापति महामोगलायन इन्हें कार्तिक अमावस को जिंदा जलाया गया था। दोस्तों, आयोजकों ने हजारों मोमबत्तियां जलाकर नागपुर के इस वेड़ाहरि बुद्ध विहार की ओर बौद्धों का ध्यान बढ़ाया, इसे दिखाने का चैनल ने प्रयास किया है। देखिए, चलिए अभी बाहर जाएंगे सब लोग। एक मिनट इनको लेने दो ना। सुरक्षा से बोलो, देख रहे हैं आप कितना अंधेरा है इस जगह पे, और इस जगह पे कितना उजाला हो चुका है। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, मैं आई हूँ वेड़ाहरि गांव में, जहाँ पर 2500 साल पुराना बुद्ध विहार है। यहाँ पर आज दीप दान उत्सव मनाया जाएगा। भारत में पहली बार किसी स्तूप में या किसी बुद्ध विहार में, जो कि सम्राट अशोक जी के काल में जो बनाए गए थे, 84,000 जो स्तूप या बुद्ध विहार बनाए गए थे, हमें लगता है कि ये भी उनमें से एक है। तो वहाँ पर आज दीप दान उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ के जो ग्रामवासी और नागपुर के कई लोग यहाँ पर आकर दीपदान उत्सव मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिए तो नहीं लगाए जा रहे, लेकिन मोमबत्तियाँ जलाकर दीपदान उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा अभी थोड़ी ही देर में। दोस्तों, ये वही विहार है, हमने पहले के वीडियो में भी आपको ये पूरा विहार जो अंदर से दिखाया है। मैं अभी बाहर से इसलिए हूँ कि रात का समय है, यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा ही कुछ बढ़ गए हैं, छोटे जीव जंतुओं का डर है, इसीलिए कोई अंदर नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर में लोग आ ही रहे हैं, लोगों का आना चालू ही है। अब देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते, यहाँ के पेड़ छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कोई भी अंदर नहीं जाएगा। हम बाहर से ही यहाँ पर दिए या फिर मोमबत्तियाँ लगाकर बुद्ध वंदना है और दीपदान उत्सव मना के जाएंगे। दोस्तों, हमें दिवाली नहीं मनानी चाहिए। क्यों नहीं मनानी चाहिए, इसके बहुत से कारण है। दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो क्या हम खुशी मनाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही है कि दिवाली के समय हमारे साथ या हमारे संस्कृति के साथ, हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी की गई है। इसी वजह से हम दीपावली या दिवाली नहीं मनाते हैं। दोस्तों, इसी कार्तिक अमावस्या के दिन महामोगलायन जो बुद्ध के श्रावक के उप सेनापति थे, उनको जिंदा जलाया गया था, यानी उनको मारा गया था। और इसी कार्तिक अमावस्या के दिन हमारे भिक्षुओं को मार कर उनका सिर कटवा कर लटकाया गया था, और दिए जलाए गए थे, आतिशबाजी की गई थी। इसलिए हमें दीपावली नहीं मनानी चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर भीड़ होने वाली है। ये देखिए दोस्तों, लोग आ रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर आएंगे थोड़ी ही देर में। ये देखिए दोस्तों, हमने उस दिन आपको वीडियो में दिखाया था, बहुत ही यहाँ पर पेड़ छोटे छोटे जो गवत है वो बढ़ चुके हैं, घास है वो बढ़ गई है। कोई कोई अंदर जा रहा है, लेकिन संभाल के हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। देखिए कितनी घास बढ़ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, अंदर कोई जा चुके हैं, हमने आपको बाहर से दिखाया था, ये अंदर आके मैं दिखा रही हूँ थोड़ा।
ये देखिए ऊपर से। चलिए अभी थोड़ी देर में जलाकर यहाँ पर हमने ये 2011 से हमने रिसर्च किया कि ये जो बाहुली कुआ है सम्राट अशोक से 84,000 जो बौद्ध स्थल है उससे संबंधित ये स्थल है। ये मूर्ति इतनी 70-80% उसको छिलछाल कर दिया है जानबूझकर, फिर भी बुद्ध का अस्तित्व वहाँ से दिखा। इस कारण ये बुद्धिस्ट प्लेस है। हमारा गवर्नमेंट के तरफ बार बार निवेदन जा रहे हैं कि यहाँ कुछ करो, और हो सकता है आर्कोलॉजी विभाग है जापान से, अब जो रुपया है वो न्यूज़ मेरे पास है, बुद्ध के नाम से जापान से पैसा आ रहा महाराष्ट्र के तिजोरी में। इसके आधार पर मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ हर साल, आप लेटर भी भेजते हो हमको कि होगा होगा, लेकिन कब होगा? वो पैसे का क्या कर रहे तुम? तो बौद्ध स्थलों के लिए पैसा आ रहा तो कीजिए यहाँ पर। और यह पहले जैसा था 2-4 मंजिला, तो यहाँ से रामटेक का बौद्ध स्थल दिखता था, वो रामटेक भी नहीं है, संगाराम है। बुद्ध की अस्थि आज भी रामटेक के पहाड़ पर गढ़ में सोने के बर्तन में रखी है, ग्रंथ है हमारे पास, वो बौद्ध स्थल है, संगाराम को रामटेक बनाया। दीप दानोत्सव हमारा बौद्धों का सन, उसको अपने दिवाली बना दिया। राम हुआ नहीं तो अयोध्या में आए बोले 14 साल बाद, सारा झूठ झाट काल्पनिक, लेकिन अभी लोग मानने वाले नहीं है। हमारी सत्य इतिहास सामने आ रहा है, इतिहासकार मैदान में आ चुके हैं, चैनल मैदान में है। तो दीप दानस्तव हम आज यहाँ पे हजारों मेनबत्तियाँ जलाकर हम यहाँ पे दीप दानस्तव का उत्सव, पूरे दुनिया के लोग पूछ रहे पाटिल साहब नागपुर से शुरू कर दो, हाँ आज यहाँ से कल दीक्षाभूमि पर है। तो हमारे नागपुर शहर के अभ्यासक जिन्होंने दीक्षाभूमि का गड्ढा बुझा के बताया आंदोलन करके, ऐसे नौजवान साथी दीक्षाभूमि बचाओ संघर्ष समिति के माननीय राकेश जी सर आए हैं, उनको बहुत अभ्यास है इस बारे में, वो भी अपनी जानकारी देंगे क्या होना चाहिए, हमारे 84,000 स्थल हमारे कब्जे में कैसे आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा। तो बोलिए सर। सभी को सप्रेम जय भीम। ये हमारी प्राचीन जो शिल्प अभी जो बाकी है तो इसका फिर से नहीं पुनर्निर्माण, फिर से पुनर्निर्माण होना चाहिए, और इसका आर्कोलॉजी विभाग ने इसे देख रेख बराबर प्रॉपर तरीके से इसका करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे व्यवस्था भी जो है रात के समय यहाँ पर भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर थोड़ा झाड़ वगैरह ज़्यादा है, पेड़ वगैरह ज़्यादा लगे हैं, तो उसे भी थोड़ा देख रेख करके यहाँ के अगर हम ही लोग आते हैं, अगर नहीं आते हैं गवर्नमेंट, अगर हम खुद लोग खुद भी आकर इसे थोड़ा अगर देखभाल करते तो ये परिसर और हमारी जो बुद्ध की विरासत है हम उसे संभाल सकते हैं। जय भीम साथियों, मैं एडवोकेट संदीप शिंदे। यहाँ जो हम आए हैं ये काफ़ी पुराना सम्राट अशोककालीन संगाराम है, जो हमारे नागमित्र धर्मेश जी पाटिल इन्होंने खोज किया, और यहाँ पे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये मार्किंग किया हुआ है। और ये जो कुआ है कम से कम 30 फुट और अंदर है, 30 फुट। तो ये पुरानी विरासत जो है ये हमारे सम्राट अशोक का बुद्ध का स्थल है, तो ये हमें कैसे इसकी हम ये करेंगे कि उन्होंने तो इसको निरस्त करने का पूरा ये कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आजू बाजू के लोगों ने, हमारे लोगों ने आके जो है अमावस्या पूर्णिमा को, हर अमावस्या पूर्णिमा को यहाँ पे कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। और वर्ल्ड हेरिटेज रहने से क्या हो रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज के आजू बाजू में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये कम से कम नहीं कुछ तो काफ़ी सम्राट अशोककालीन है, तो इस ये विश्व धरोहर है, इसको कैसा हम सही सलामत रखें इसके लिए हम लोगों को ही सामने आना पड़ेगा। चालू हो चुका है। और यहाँ हर वार्षिक, मैं भी आया था पिछले साल जनवरी में, पौष पूर्णिमा को हम काफ़ी लोग समाज के इकट्ठा होकर यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम रखते हैं, और उस माध्यम से जिन्होंने नहीं देखा, ये नागपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 50,000 आने वाले समय में हम यहाँ पे कम से कम जनवरी में 50,000 से 60,000 लोग जो है इकट्ठा करने वाले हैं, और ये विश्व धरोहर है, इसको कैसे बचाना अभी ये हमारा कर्तव्य है। ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तो ड्यूटी है ही, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ये हमारे समाज के लोगों ने, जिनको ये जो है विश्व धरोहर बचाना है, ताकि ये सम्राट अशोक का ने बनाया हुआ संगाराम है, जो नागपुर से काफ़ी एक सिटी में ही है, एक 10 किलोमीटर की दूरी पर, और हमारे बहुत से लोग जो है नागपुर में रहने वाले उन्हें मालूम ही नहीं,
इसी माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इस चैनल के माध्यम से इस बिहार को कवर किया, संगाराम को कवर किया। और इस संगाराम को कवर करने से जो आजू बाजू में मैसेज जा रहा है, वेड़ाहरी गांव है, बिहार है बाजू में, वहाँ के लोग नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं कि ये इतना सम्राट अशोक कालीन बिहार हमारे बाजू में है। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि अपने परिवार सहित आइए और आने वाले जनवरी में, आने वाली जनवरी में पौष पूर्णिमा को कम से कम हमारा टारगेट 50 से 60 हज़ार लोगों का रहेगा। और ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज यानी पर्यटक स्थल हो, इसके लिए हम जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मांग करेंगे। बस इतना ही मेरा कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोमबत्तियाँ लगाई जा रही है, सभी उपासक उपासिकाएं यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाकर उजाला कर रहे हैं। देखिए थोड़ा घास का प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों, तो सारे दिए या फिर मोमबत्तियाँ यहाँ पर ही जला लेते। ये देखिए दोस्तों, दीपदान उत्सव यहाँ पर अभी अंदर बिहार में पूरी चारों कोने में मोमबत्तियाँ जलाकर रोशनी की गई है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही पूरा अंधेरा हो चुका है, लेकिन हर तरफ मोमबत्तियाँ या फिर रोशनी करके ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों। देख रहे हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए वो कुआं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अभी बाहर जाएंगे सब लोग। ये तो देखिए दोस्तों, अभी हम बाहर आ चुके हैं। ये बाहर भी यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई गई है। आप देखेंगे ये पूरी बिल्डर की जगह है, लेकिन वहाँ यहाँ पर एक भी लाइट नहीं लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए हमारे बिहार के बाहर, अंदर तो हमने अभी जला कर आए हैं, ये बाहर भी उपासक उपासिकाओं ने यहाँ पर मोमबत्तियाँ लगाए गए हैं। यहाँ पर पूरी रोशनी की गई, कितनी सुंदर दिख रहा है दोस्तों। चारों तरफ अंधेरा है और एक तरफ उजाला, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अभी आप देखेंगे बाहर की तरफ, ये देखिए मागच्या 3000 वर्षापासून आपल्या धम्मविरोधी लोकांनी बुद्धांचा 100% हा उत्सव होता, त्यानिमित्ताने आपण एकत्र आलेलो आहोत। नंतर मी माहिती देतो, परंतु आपल्या महापुरुषांना वंदन केल्याशिवाय पुढे एक इंच सुद्धा आपण सरकू शकत नाही, म्हणून त्रिशरण पंचशिला आपण ग्रहण करत आहोत। नमो तस्स भगवतो अरहतो, सर्व सामूहिक म्हणायचं आहे, भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स, बुद्धं शरणं गच्छामि तदीयं हि संगं शरणं गच्छामि। पंचशिला सिंहापदं समादियामि।
साधु 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 बोल महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, चक्रवर्ती नागराजा सम्राट अशोक की, संविधान बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर की, सर्व अरंत संत महापुरुषों की, पंचशील झंडे की, शिव संघ की, नमो बुद्धाय। जय भीम। तसाच शिबिर घेतो मी या विषयावर, पण तुम्हाला वेळ नाही, माझ्या वेळ नाही। उद्या पुन्हा वेळात वेळकडून दीक्षाभूमीला 6 वाजता 5:30 यायचं, म्हणजे यायचं। 7 दिवस आम्ही अभियान राबवणार आहोत। आणि कोणकोण दुश्मन आहेत जे विरोधात टाकत आमच्या, तर ते एका माईचे असतील तर त्यांनी माझ्या समोर यावं, आणि माझी जे लायब्ररी आहे करोडची, आणि माझ्याशी दीक्षाभूमी फेस करावं की हा दीपदान असतो हा सम्राट अशोकाचा। आणि तिकडे बोर्ड याला खुलं दिसू द्या ना वानखेडे साहेब, याच्यावर लाईट मारा। हा एवढा मोठा उत्सव, तो सुप्रीम कोर्ट म्हणतो की अयोध्या तुमचं साकेत होतं, साकेत 70 एकरात सम्राट अशोकाचं विद्यापीठ होतं, त्यांनी काय बनवलं, काय बनवलं, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या राम। सुप्रीम कोर्ट पर्यंत म्हणजे राम हे काल्पनिक आहे, ठीक आहे। मग काहीतरी झालं, एवढा पसारा खायचा, अरे बाप रे बाप, दिवाळी आहे, एवढं पुऱ्या देशात जिकडे काय, शेवटी काय झालं, काय झालं, भगवान बुद्धत्व प्राप्त केल्यानंतर आपल्या कपिल वस्तूला पहिल्यांदा आले, एकदा होळीच्या पिरियडमध्ये आले, आणि एक वेळ आता आले। तर त्या राजाने, त्यांच्या वडिलांनी कपिल वस्तूंनी 7 दिवस त्यांचा उत्सव केला होता, तो एक भाग आहे। त्याच्या 200 वर्षानंतर सम्राट अशोकांनी 84,000 ऐकलं तुम्ही बंतजीच्या तोंडातून, 84,000 विद्यापीठ, लेण्या, चैत्य स्तूप आणि बाहुली विहार, जे व्यापारी मार्ग होते, जो भिक्षू संघ चालत होता, व्यापारी चालत होते, त्यांच्यासाठी हे पाण्याची व्यवस्था, हे असे पूर्ण विहार 84,000 बनवले, त्याच्यातला हा एक भाग आहे। म्हणून आपले सण आहेत। आणि मग आपण कशासाठी आलो, 3 वर्ष दरबार भरलेला आहे, तिकडून इंजिनियर डॉक्टर सर्व आलेले आहेत, दरबार भरला आहे, सम्राट अशोक बसले आहे, संघमित्रा महेंद्र आहे, दरबार भरला आहे, मुलगा झालाय संघमित्राला बाजूला आहे, महेंद्र इकडे आहे, आणि अंत्रिमंत्री सांगत आहे, इंजिनियर राजन अशोक, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे 3 वर्षात पूर्ण भारतात किती हजार बनवले लेण्याचे आहेत, तर 84,000 आम्ही आलो, आता काय करायचं राजन, दरबार भरलेला आहे सर, दरबार भरला आहे, आणि एवढ्या आनंदाच्या याच्यामध्ये भंतेजीला विचारतात, सम्राट अशोक भंतेजी काय मी बुद्धाच्या धम्मासाठी मान्यता प्राप्त झालो, भंतेजीने काय म्हणायला पाहिजे होता, हो म्हणायला पाहिजे होता ना, नाही म्हटलं, बा लक्षात घ्या बारीक इतिहास आहे, मी बुद्धाच्या धम्मासाठी दायक झालो का, दायक दायक, मला दाबात माहित आहे दामात जावे, दायक आणि दायक, भंतेजी म्हणतात तू दायक झालास, पण बुद्धाच्या धम्मासाठी दायक नाही झालास, वाटी द बिनगा दायक, असं काय आहे भंतेजी सांगा, अशोका तुझ्या परिवारामध्ये कोणी एकतरी हा चिवर घालून कोणी भंतेजी बनला माताजी सामन्यात, नाही। तेव्हा महेंद्रानं म्हटलं, महेंद्रानं म्हटलं, महेंद्र बनशील का, येस पप्पा, असा पोरगा पाहिजे सम्राट अशोक, चिवर घेतला श्रीलंकेला गेला, महेंद्र श्रीलंकेला गेला आणि तिथे बाया गेल्या, कारण बुद्धाच्या काळात 500 कुणबी शाक्य बाया माताजी बनल्या होत्या, आम्हालाही श्रीलंकेला तुम्ही माताजी बनवा, नाही नाही नाही, मनुष्य काम नाही करू शकत, मी भारतामध्ये चिठ्ठी पाठवतो, चिठ्ठी पाठवली, मग सुजातेला कळली, सुजाता आणि तिचा पोरगा चिवर घालून माताजी म्हणून कुठे गेल्या, अनुराधापूर श्रीलंका, तिथे मेले पण ते आले नाही, तिथे अनुराधापूरला श्रीलंकेला समाधी आहेत, त्याला चैत्य म्हणतात, हा श्रीलंकेचा इतिहास आहे। तर आजच्या घडीला 3 वर्ष बनवायला लागले, जम्बोद्वीप नाव होतं हे वंदनेमध्ये आलं आहे, तुमच्या लग्न लावतात जम्बोद्वीप असं कळलं दिसा, 3 वर्ष कदाचित लेबर कमी असते तर 100 वर्ष बनायला लागले, सोन्याचे चिडिया भारत म्हणजे काय सांगा, यांनी भंतेजींनी सोन्याचा धूर निघत होता भारतामध्ये सांगा, प्रत्येक प्रोग्रामची माहिती तुम्ही ग्रुपवर आम्हाला देत असता, त्याच्या माध्यमातून आम्ही पण कोणाकडे आणखी मेसेज टाकत असतो, आणि बरेच लोक इथे आलेले आहे वेळात वेळ काढून, दिवाळीचा सण आपल्यात नसला तरी पण साफसफाई हे ते काम राहतातच प्रत्येक स्त्रियाला, तेवढ्या याच्यात तुम्ही वेळात वेळ काढून आले तर त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते, आणि यापेक्षाही दुप्पट आणि तिप्पट पटीने आपण मोठा प्रोग्राम इथे आणखी करू, जानेवारीचा घोषित झाला, आणखी चांगला मोठा प्रोग्राम करू जानेवारी, आणि असंच सर्वांनी साथ द्यावं ह्या प्रोग्रामला, आणि धर्मेश पाटील सरांचे पण मी फार आभार मानते की प्रत्येक वेळेस खूपच छान प्रोग्राम ते घेतात, आणि त्यांच्यामुळेच आपण सर्व एकत्र होतो, नाहीतर इतकी मोठी शक्ती आज यांच्या पाठीशी आपण उभे आहोत, त्यांच्यामुळेच आज आपण इथे एकत्र होत आहोत, त्यामुळे मी त्यांना खरंच त्यांचे मानावे तितके धन्यवाद
बस दोनों शब्द इतके। दोस्तों आप देख सकते हो बाहर की तरफ, दोस्तों यहाँ पर काफी अंधेरा है, मैं भी आपको ठीक तरह से नहीं दिखाई दूंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलेगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।